तो नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ फाइल में, तो फाइल में जो जो चेंजेस है वो क्या क्या चेंजेस है। तो जैसे बेसिकली हो गया ये मेरा रिसिप्ट का इनबॉक्स हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप फाइल पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजिली फाइल इनबॉक्स में जा सकते हैं ऊपर, अदरवाइज आप यहाँ पे भी फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी इनबॉक्स में जा सकते हैं। तो जैसे आप फाइल क्रिएट करेंगे, कोई नया फाइल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे फाइल क्रिएट ऑप्शन है, अदरवाइज आपका यहाँ पे भी फाइल क्रिएट न्यू। तो आप बेसिकली जो इजी है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे फाइल क्रिएट करेंगे पहले ये आपका आप सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन एसएफएस, इसमें कोई आपको सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। खाली आपको फाइल नंबर सिलेक्ट करना है कि कौन सा फाइल है, सब्जेक्ट उसका, जैसे आप सिलेक्ट करते थे ए या उसका प्राइमरी हेड ए 13 14 15 करके जैसे आप फाइल बनाते हैं तो सेम आ जाए, वैसे ही फाइल बनाएंगे, देन उसका सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वर्किंग करेंगे या आपको जैसे पॉपअप आता था कि ये चेंजेस नहीं होंगे फाइल नंबर, सेम आ जाए आप प्रोसीड करेंगे, देखिए ये फाइल नंबर सक्सेसफुली क्रिएटेड। देन आपका जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रीन नोट एंड येलो नोट था, सेम आज देख पाएंगे कि वैसे ही आज ऐड ग्रीन नोट एंड ऐड येलो नोट है। इसका आइकन थोड़ा सा हमने लार्ज कर दिया तो कि आपको इजीली एक्सेस हो पाए। एंड राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इसमें हमने चेंजेस किए। यहाँ पे क्या होता था, ऊपर आपका आता था लिस्ट ऑफ जो ऑल रिसेंट, ठीक है, और टीओसी, तो ये सब हमने यहाँ पे नहीं रखा है। अब ये सब चीजें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, टीओसी करके ऑप्शन है, और यहाँ पे जैसे वो हैमबर्गर मेन्यू था यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टीओसी रिसेंट ऑल प्रीवियस नोट ड्राफ्ट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट और एक रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस क्या है, यहाँ पे आपका एक लोकल रेफरेंसेस करके ऑप्शन था जिसमें आप डॉक्यूमेंट या कोई एक्सेल वगैरह अटैच करते थे, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है references, TOC के सबसे लास्ट में। देन यहाँ पे आपका यहाँ आता था attach, यहाँ पे अभी हमने उसका लेबल का नेम चेंज कर दिया है कि वो है add receipt। जैसे आप add receipt करेंगे यहाँ पे आपको सारे letters जो हैं visible हो जाएंगे, लेकिन इसमें पहले क्या होता था आप at a time एक letter attach कर सकते थे एक फाइल में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं मेरे पास दो तीन letter है और एक साथ attach करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल लेटर्स, ठीक है, अगर आपके पास होगा तो आप एक साथ दो या तीन या चार पांच कितने भी लेटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो राइट हैंड साइड में पहले जो डॉक्यूमेंट होगा ये होगा, उसका सीक्वेंस मूव एंड अप डाउन यहाँ पे कर सकते हैं, देन रिमार्क्स देंगे, देन अटैच का ऑप्शन आ जाएगा आपको, यहाँ पे फाइल में डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा आपका। देन अगर आप जो गलत अगर कोई अटैच कर दिए तो वो कैसे डिटैच करेंगे, वो भी अगर एक बार वंस फाइल मूव हो जाती है तो आपका डिटैच नहीं होता था, तो सेम फंक्शन यहाँ पे भी है, अगर फाइल एक बार मूव हो गया तो वो डिटैच नहीं होगा। अगर फाइल मूव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के नीचे एक व्हाइट चेकबॉक्स है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसमें एक्शन आप इस पे जाके देख सकते हैं, इसमें मार्क आज पीयूसी मार्क आज एफ आर अनमार्क डिटैच, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देन इसको डिटैच कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो लेटर है यहाँ पे जो अटैच हुआ है यहाँ पे देखिए आई करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स में तो ये अगर कहीं से भी मूवमेंट उसकी सारी दिखा देगा, अगर कहाँ से आया हुआ है और किसने बनाया हुआ है, उनकी नाम हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। जैसे आप पहले भी ऐड ग्रीन नोट करते थे तो यहाँ पे भी ऐड ग्रीन नोट करेंगे तो आपका नोटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या जैसे पहले भी नोटिंग करते थे सेम आज यहाँ पे नोटिंग कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो मेन बेसिक चेंजेस है वो है नीचे हमने एक एडवांस फीचर दिया है कि यहाँ पे ओनली पीडीएफ अटैचमेंट होता था ग्रीन नोट में, लेकिन इसमें अभी आप कोई भी डॉक्यूमेंट पीपीटी या एक्सेलएक्स एक्सेल डॉक फाइल को कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है, ये प्रीवियस वर्जन में नहीं था, ये अभी इस वर्जन में हमने ऐड किया। देन जैसे आप जैसे टाइप करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका पहले क्या होता था जो आप ऑटो सेव होता था आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाइपरलिंक होके शो होता था ऊपर,
लेकिन यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर विजिबल हो जाएगा कि ये लास्ट सेकंड सोन सन एंड डेट। मान लीजिए एक फाइल आया हुआ है, अभी मैं इसमें रेफरेंसिंग करूंगा कि इसमें जो रेफरेंसिंग है अभी रेफरेंस में थोड़ा सा चेंजेस है, जो हमारा नोट टू नोट रेफरेंसिंग है उसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, ये मेरा पुराना फाइल है ठीक है, अब मैं इसमें ऐड ग्रीन नोट किया और इसमें राइट हैंड साइड में मेरे सारे लेटर्स अटैच्ड हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेज नंबर, जैसे आप करते थे पेज नंबर, या इसमें आप कर सकते हैं कंटेंट। यहाँ पे आप ऑल करेंगे, जैसे ऑल करेंगे ये सारे पेजेस आपके आ जाएंगे एक साथ में। देखिए यहाँ पे एक रेफरेंसिंग यहाँ पे देखिए डिसेबल होगा ऊपर, जैसे आप माउस हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, जैसे पहले भी करते थे, जैसे माउस हाईलाइट करेंगे ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंसिंग आ जाएगा आपका कौन सा पेज रेफर करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया 6 नंबर पेज, ये देखिए सक्सेसफुली रेफरेंस्ड। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि आपको जो क्या रेफरेंस करते थे आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे जाना पड़ता था, या आप सेंट में जाके देखते थे, वो ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे आप जैसे डायरेक्टली ये जो हाइपरलिंक हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। देन ये आपका हो गया नोट कॉरेस्पोंडेंस। देन आपका जो नोट टू नोट में क्या चेंजेस है, देखिए जैसे कोई नोट नंबर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट नंबर किया नोट नंबर 2, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रीवियस नोट। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रीवियस नोट में नोट नंबर 2 पे भी मेरा रेफरेंसिंग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट नंबर 2 कर दिया और इसको भी हाईलाइट कर दिया, जैसे हाईलाइट किया यहाँ पे रेफरेंसिंग हो गया, रेफरेंसिंग का जैसे इनेबल हो जाता है, यहाँ पे यहाँ नोट नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हुआ है जो पैराग्राफ, पैराग्राफ मीन्स अगर आपका कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है नोट में आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 ऐसे करके आ जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए नोट नंबर 3 किया, तो यहाँ पे देखिए पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3, आप अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट कर दिया, अब ये रेफरेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो नोट नंबर 2 है मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ऐसे हाईलाइट हो जाता है पहला पैराग्राफ। अगर इसके अंदर आपका कोई रेफरेंस भी होगा तो ये देखिए यहाँ पे भी हाइपरलिंक होगा, आप इस पे भी क्लिक करेंगे वो भी आपको डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये नहीं था पहले, लेकिन ये हमारा इसमें नया ऐड हुआ है। अगर आप कोई रेफरेंस करते हैं तो अगर आपको रेफरेंसिंग रिमूव करनी है तो आपको बैकस्पेस की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे रिमूव रेफरेंस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ से भी रेफरेंसिंग नहीं हो पाएगा, अगर मान लीजिए आप यहाँ से भी रेफरेंसिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये मुझे नोट नंबर 6 को रेफर करना है, तो यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे नोट नंबर 6 या नोट नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट नंबर 6, ठीक है, यहाँ पे मैंने माउस कर्सर हाईलाइट किया और यहाँ पे इस जो नोट नंबर 6 है राइट हैंड साइड पे उस पर राइट क्लिक करूंगा और रेफर दिस कर दूंगा, ये देखिए सक्सेसफुली रेफरेंस्ड। देन यहाँ पे हमारा नया फीचर ऐड हुआ है जो है फिल्टर ऑप्शन, जो मैंने इनबॉक्स में फिल्टर है और यहाँ नोटिंग में फिल्टर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 से ऊपर नोटिंग है, आप चाहते हैं कि जो हायर ऑफिसर है वो चाहते हैं कि मुझे बस पर्टिकुलर देखना है कि कौन सा यूजर ने नोटिंग किया है, ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर बाय पोस्ट है, जैसे पोस्ट पे सबका नाम आ जाएगा, जितने भी नोटिंग जहाँ से मूव होके आता हुआ है जिन्होंने नोटिंग किए होंगे उनका नाम आ जाता है, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बस उन्हीं का ही नोटिंग दिखेगा, बाकी सारे मीडियम आ जाएंगे, तो आप उसको रेफर भी कर सकते हो यहाँ पे रेफर दिस पोस्ट। सेम आज है, सेम फिल्टर ऑप्शन इधर भी है, अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हैं नोटिंग के टाइम में कि अगर आपका यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस ओपन है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे भी लेटर पे क्या नोटिंग इन्होंने क्या लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं। रेफरेंसिंग आप दो तरह की कर सकते हैं, या तो आपका रेफरेंसिंग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपने ये पेज ओपन किया है, ठीक है, ये जो कॉरेस्पोंडेंस का इस हार्ड पेज है आपका ओपन है, आप चाहते हैं ये वाला पेज मुझे करनी है रेफरेंसिंग, तो आप यहाँ पे कंटेंट नंबर 3 पे आप हाईलाइट करेंगे, आप यहाँ से भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं पेज नंबर,
नहीं तो आप इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे रेफर दिस पेज, तो आप पहले भी आप जो कंटेंट देख नहीं पाते कौन सा रेफर करते हैं, तो आप डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे, तो आप देख सकते हैं कौन सा पेज रेफर हुआ। आप यहाँ पे भी रेफर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी रेफरेंस। देन मैं अभी ड्राफ्ट में मूव करता हूँ कि आप ड्राफ्ट में क्या क्या चेंजेस है, ठीक है, जो सर का कोरी था। तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट न्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट आप पहले भी अपलोड करते थे कोई डॉक्यूमेंट, तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। या कोई टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप जैसे टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका ऑटो बैकअप रह जाएगा, ये ड्राफ्ट का अब ऑटो सेव हो गया अभी के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी ग्रीन नोट में जाना है, तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है देखिए बैक बटन की कोई जरूरत नहीं है, देखिए फाइल इनबॉक्स और ये फाइल का नाम आ रहा है, तो आप जैसे फाइल के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रीन नोट में चले जाएंगे, आपका कोई भी कुछ भी जो भी ग्रीन नोट होगा आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर से आप क्रिएट न्यू करेंगे ड्राफ्ट, तो आप जहां से आपका आपने स्टॉप किया होगा ना, अगर आपका कोई स्विच ऑफ हो जाती है लैपटॉप या कोई डिस्कनेक्ट हो जाती है, या आप बोलते हैं मुझे बाद में बनाना है, तो सेम आज आपको वैसे ही अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे ड्राफ्ट में हमने एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया जो है मल्टी साइन। ये क्या है, अगर आपका पहले हमारा क्या ऑप्शन था, जैसे कोई ड्राफ्ट डिस्पैच होता था, पहले ड्राफ्ट अप्रूव होता था, देन डायरेक्टली डिस्पैच का ऑप्शन आता था, देन सिग्नेचर आप करते थे। लेकिन इसमें क्या है, अभी जो नए वर्जन है इसमें आपका ड्राफ्ट अप्रूव होगा पहले, देन आपका सिग्नेचर होगा, देन डिस्पैच का ऑप्शन आएगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक इनेबल मल्टी साइन करके ऑप्शन है। ये क्या है, वंस आपका एक बार ड्राफ्ट अप्रूव होती है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, ये मेरा ड्राफ्ट बन गया। अगर यहाँ पे कोई हायर ऑफिसर जो अप्रूवल अथॉरिटी होंगे वो यहाँ पे ड्राफ्ट को अप्रूव करते हैं, तो यहाँ पे इनेबल मल्टी साइन मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक इस ड्राफ्ट में अप्रूव होने के बाद कोई मल्टीपल यूजर्स इसमें सिग्नेचर करें, जैसे कोई कमेटी की मीटिंग्स हो गई या कोई OM हो गया, ऐसा कुछ हो, तो इसमें आप मल्टीपल सिग्नेचर चाहते हैं, किसी सेक्रेटरी का हो गया या उसमें मिनिस्टर करेंगे या एडिशनल सेक्रेटरी भी करेंगे जो कमिटी के मेंबर्स होते हैं, तो अप्रूव होने के बाद इसमें यहाँ पे अगर आप टिक करेंगे तो इसमें कोई भी 3 यूजर्स मैक्सिमम सिग्नेचर कर सकते हैं। वो इसीलिए होता है कि इसमें अप्रूव होने के बाद कोई मैक्सिमम 3 यूजर्स सिग्नेचर कर सकते हैं, अगर आप इस पे इनेबल कर दिए। अगर आप इनेबल नहीं किए तो यहाँ पे जैसे कोई ड्राफ्ट अप्रूव होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ड्राफ्ट अप्रूव करेंगे, अगर यहाँ पे इनेबल नहीं होगा मल्टीपल साइनर का जो माइन यहाँ पे इनेबल मल्टी साइनर सर्विस है, अगर आप यहाँ पे कोई भी टिक नहीं करेंगे तो एक बार अप्रूव होने के बाद यहाँ पे ई साइन और DSC साइन भी है वो, लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल यूजर कर सकता है। देन यहाँ पे एक इंक साइन का भी ऑप्शन है। इंक साइन क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैनुअली साइन हो, ठीक है, तो इसको ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वो सिग्नेचर करेंगे मैनुअली, फिर इसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे इंक साइन में क्लिक करेंगे वो अपलोड करने के लिए पूछेगा आपको, तो जो सिग्नेचर वाला है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे ये कंफर्म एंड डिस्कार्ड का ऑप्शन आता है, अगर आप कंफर्म करेंगे तो जो सिग्नेचर वाला है वो रिप्लेस कर देगा, या आपका सिग्नेचर कॉपी होगा या आपका अप्रूवल कॉपी होगा, तो जो सिग्नेचर कॉपी होगा वो आपका रिप्लेस कर देगा अप्रूवल कॉपी के साथ। देन आपका ऑप्शन आ जाएगा इनिशियल डिस्पैच, तो इनिशियल डिस्पैच में आप आगे किसी को भी डिस्पैच कर सकते हैं। देन इसमें जो एक ऑप्शन है जो हमारा नया ऐड हुआ है, जैसे कोई ड्राफ्ट बनता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी वर्जन बनती है, तो यहाँ पे आप जैसे कोई भी वर्जन एडिट करेंगे, आपके पास जैसे भी पहले भी आप वर्जन एडिट करते थे, तो ये आपका हो गया पहला, ये ड्राफ्ट हो गया उसका, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सा वर्जन है, तो ये दूसरा ड्राफ्ट हो गया, अगर किसने एडिट किया है उसका भी वर्जन शो हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई ड्राफ्ट गलत बना दिया है, कोई वर्जन गलत बना दिया है, तो आप इसमें जो डिलीट का ऑप्शन है
आप अपना वर्जन डिलीट कर सकते हैं, आप मेन ड्राफ्ट डिलीट ना करके अगर कोई वर्जन अपडेट हो जाता है तो आपके नाम पे आएगा किसने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे पहले क्या होता था, ये जो मेन ड्राफ्ट है आप डिलीट कर देते, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर कंप्लेन करते हैं हायर ऑफिसर कि ये किसने डिलीट किया है। जैसे आप कोई भी डिलीट करते हैं तो भी वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है अभी कि किसने डिलीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वर्जन पे भी ऑप्शन आ गया है कि डिलीट का, अगर आप खुद वर्जन बनाते हैं, ठीक है, तो आप खुद यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। देन जैसे आप यहाँ पे इनिशिएट डिस्पैच करेंगे, ठीक है, आपने इनिशिएट डिस्पैच पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक ऐड रिसिप्ट करके ऑप्शन है। आप ये क्यों है, अगर आप जहां बाहर रिप्लाई भेजना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को तो आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, उनका मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद के डिपार्टमेंट के अंदर भी किसी को ऐड करके भेजना चाहते हैं तो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब इनका ईमेल आईडी है यहाँ पे, आप इनके ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे अगर आपके डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाहर भी भेजना चाहते हैं यहाँ पे डिस्पैच कर सकते हैं, या उनके यहाँ पे भी ईमेल डिटेल्स डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमने तीन ऑप्शन दिए, अगर आप अपने डिपार्टमेंट को ही कोई कॉपी भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड रिसिपिएंट करेंगे और इंटर आईडी ऑफिस में क्लिक करेंगे, ठीक है, या आपके सारे डिपार्टमेंट के नाम के जो भी यूजर्स होंगे आप उनको एक कॉपी भेज सकते हैं। अगर आप पब्लिक में जाना चाहते हैं तो पब्लिक में अगर आपका एग्जिस्टिंग होंगे कोई ऐड किए होंगे ऑलरेडी प्रीवियसली तो आप उनको भेज सकते हैं, अदरवाइज आप नया भी ऐड कर सकते हैं न्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया। तो जैसे यहाँ पे मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा, उनका सब्जेक्ट दे दीजिएगा, ईमेल बॉडी जैसे दे देंगे तो जैसे यहाँ पे सेंड विदाउट फॉलोअप और विद फॉलोअप होता था तो ये कॉपी आगे ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो जाएगा और ये जो कॉपी है आके फाइल में अटैच हो जाएगा, जैसे प्रीवियस वर्जन था सेम आ जाए कि ये जैसे डिस्पैच विदाउट फॉलोअप करेंगे ऑटोमेटिकली जैसे जो कॉपी है आपका फाइल में अटैच हो जाती है, तो सेम आ जाए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल में अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो ये इशू है आपका यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंशन हो जाएगा। और आपने जो डिपार्टमेंट को जो कॉपी भेजा हुआ है वो आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड किया जो रिसीव लेटर, ये पहले नहीं था अब ये है, जो रिसीव लेटर में अगर आप किसी को भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर कॉपी भेजते हैं उनको ई ऑफिस में मिल जाएगा, यहाँ पे इंट्रा ई ऑफिस में जाएंगे वो इस टाइप का उनको वो डिस्पैच लेटर जो आपने भेजा होगा जो कॉपी उनको मिल जाएगा और यहाँ पे उनको वो पढ़ भी सकते हैं, अगर वो चाहेंगे उसको डायरी करनी तो वो डायरी भी कर सकते हैं इसको। ये सर ड्राफ्ट में हमें दो तरह के प्रॉब्लम्स पहले भी आते थे, जी उसका सर, क्या उपाय है? जैसे कि जो हमारा नोट होता है, ड्राफ्ट नोट कह सकते हैं, जब तक मैंने नोट सबमिट नहीं किया है और हाँ मुझे उसी सेम मैटर पे ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्ट हाँ बनाना हाँ है, तो होता क्या कि मैं जो ड्राफ्ट अपना नोट मैंने बनाया है वो नोट हम नहीं देख सकते थे ड्राफ्टिंग करते के साथ साथ। इज इट पॉसिबल टू सी नाउ? सर अभी आप मल्टीपल ब्राउजर में ओपन करके कर सकते हैं सर। अच्छा, मल्टीपल ब्राउजर में मेरी दो आईडी खुल जाएंगी तो देख सकता हूँ मैं, बट हाँ नॉट क्योंकि मतलब आपके सिस्टम में अभी नहीं हो पाएगा ना अभी। अभी आप पुराना नोटिंग देख सकते हैं ये लेकिन पुराना तो आप, देख सकता हूँ लेकिन पुराना तो हाँ नहीं होता है ना एक्चुअली। सपोज दैट किसी ने फाइल पुटअप की नीचे से देखिए, ठीक है, और ऑब्वियस बात है मैं उससे अगर स्टैंड बदलता हूँ तो मैं अपना नोट चलाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, मैं अपना नोट चलाता हूँ तो अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट भी मुझे अमेंड करना होता है। तो नोट चूंकि एलेबोरेटेड फॉर्म में होता है, मैं अगर अपना नोट नहीं देख पाता हूँ तो होता है कि सारा मटेरियल उठा के कॉपी पेस्ट करके ड्राफ्ट में ले जाओ, फिर उसको एडिट करके वहां पे पूरा करो। अदरवाइज अगर नोट साइड में दिखता रहे तो हम उसके हेल्प लेकर के बड़ा इजीली मतलब अपना ड्राफ्ट बना सकते हैं, हाँ तो सर ये अभी जो फैसिलिटी आई थिंक हमने, अभी भी नहीं है आपके साइड में। नहीं नहीं सर एक्चुअली ये जो है ये जो पहला वर्जन है 7 का, इसमें हमने क्या किया है, जैसे आप कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, हमने अभी हमने लेटेस्ट किया है कि आप जब ड्राफ्ट बनाएंगे जब क्रिएट करते हैं आप प्रीवियस का देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने अभी किया है, यहाँ पे जैसे एक आइकन है ऐड रिसिप्टेंट, जैसे आप कोई ड्राफ्ट बनाते हैं यहाँ पे ऐड रिसिप्टेंट में एक साइड में एक छोटा सा आइकन है, आप इस पे क्लिक करेंगे आप इस पे आपका जो डॉक्यूमेंट है जो प्रीवियस नोट है, ठीक है, यहाँ तक आप देख पाएंगे।
लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसमें हमने जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है कुछ महीने में, अभी वो टेस्टिंग मोड में, उसमें हमने ऐड किया है कि आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आप जो रिसेंट जो टाइप कर रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। है ना। वन अनदर थिंग, ये सर आपने अभी भी मतलब इसमें ड्राफ्टिंग में जाता है, मुझे समझ में आ रहा है स्केल्स नहीं दिए हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ड्राफ्टिंग जो ई ऑफिस में आप डायरेक्टली अगर कोई ड्राफ्ट बना रहे हो ना, कहीं आपको टैब देना हाँ होता है या पैराग्राफ होता है तो कभी वो लेता ही नहीं है, या लेफ्ट में हमको मार्जिन के एकदम एक्सट्रीम एंड पे जाना होता है तो नहीं जाता है वो, इस बिग मेजर इश्यूज। बट मुझे लग सर, रहा है अभी अभी भी जो आपने स्केल्स लैटेस्ट नहीं वाले प्रोवाइड में किया सर, है, क्योंकि स्केल्स के विदाउट काफी प्रॉब्लम होती है, मतलब ड्राफ्ट ड्राफ्ट सही नहीं, फॉर्मेट सही नहीं आ पाता उसका, हाँ फैक्ट में सही स्किल्स नहीं सर, है। ये सर दिस इज द फ्री टूल सर, इसमें इतना जितना हो पाएगा सर हम उतना ही अवेलेबल कराते हैं। बाकी और एक दो नए फंक्शनलिटी है जो है, आप जैसे कोई पार्क करते थे फाइल, ठीक है, या कोई पार्ट फाइल बनाते थे, जैसे आपका पार्ट फाइल बनाते थे उसमें क्या था कि आपके जब फाइल भेज देते हैं तब आप फाइल पार्ट फाइल बनाते हैं, वो भी ऑप्शन है। अब अगर आपके पास इनबॉक्स में भी फाइल है तो भी आप उसका पार्ट फाइल बना सकते हैं, ठीक है, ये एक नया ऑप्शन हमने ऐड किया है। देन अगर आपका जो फाइल अननेसेसरी फाइल आप क्रिएट कर देते थे वो आप क्लोज कर पाएंगे, पहले ऑप्शन था कि वो आप क्लोज नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी जो अननेसेसरी आप फाइल जो आपका गलती से क्रिएट हो जाता है तो आप उसको क्लोज कर पाएंगे, ठीक, उसके लिए कोई आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लोज कर पाएंगे। हाँ लेकिन इसमें एक और जो हमने करेक्ट आपको डिसएडवांटेज मिलेगा वो है कि सेल्फ मूवमेंट फाइल अभी अवेलेबल नहीं है, सेल्फ मूवमेंट फाइल अभी इसमें क्लोज है, वो हमने बंद कर दिया है, ना आप सेल्फ रिसीव किसी को मार्क कर सकते हैं अपने आप को, ना अपने आप को फाइल भी मार्क कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यस सर ये कभी कभी हमें पार्लियामेंट क्वेश्चन वगैरह के उसमें फिजिकल फाइल खोलनी पड़ती है, लेकिन उसका मूवमेंट हम ई फाइल के थ्रू करते हैं, तो वो क्या इसमें पॉसिबल होगा नए ई ऑफिस सिस्टम में? लेकिन बेटर होगा आप ई फाइल ही खोलिए, फिजिकल फाइल खोलने की जरूरत ही नहीं है। सर वो जब क्वेश्चन फाइनली एडमिट हो जाता है ना, तो वो हमें फिजिकल में ही चलाना पड़ता है, तो ये एक है प्रॉब्लम। तो जैसे पहले हम करते थे फिजिकल फाइल ओपन होती थी, लेकिन उसका नंबर ई में करके ताकि हम ट्रेसिंग कर पाते कि फाइल कहाँ पहुंची, सीएस के पास है कि मंत्री के पास है, तो इस तरह से उसमें इसमें पॉसिबल है कि नहीं है सर फिजिकल फाइल को ई नंबर देना? वो तो है, लेकिन बेटर होगा कि आप ई फाइल में ही करिए, फिजिकल फाइल होगा तो कुछ फायदा नहीं है तो लोटर नहीं करने का, एक बार दिखा देंगे सर कहाँ से होगा ये? वही ऑप्शन है आप देख सकते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ इसमें आप हिंदी जो कंटेंट अगर मतलब करते थे, ये अभी आपको हिंदी कोई भी फॉन्ट आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपका यूज करते हैं, कृतिदेव या वो, तो इसमें आप हिंदी कंटेंट जो नोटिंग कर सकते हैं, और उसका आपका जो रिपोर्ट है अगर आप कितने भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं आपने हिंदी में कितने काम किए, तो आप एमआईएस रिपोर्ट में आपका एक हिंदी वर्जन अब नया आ गया है कि आप हिंदी में जो काम किए आपका रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। मुझे एक डाउट था यहाँ पर। हाँ जी मैम, हाँ, इसमें ना ड्राफ्ट्स जब हम क्रिएट करते हैं तो ड्राफ्ट के जो वर्जन्स दिखते हैं मेरे सेंड फाइल सेंड करने के बाद ऊपर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या मेरे सेंट फाइल में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इवन इफ फाइल मेरे पास नहीं वापस मैम, ना आए? वो मैम प्रीवियस वर्जन में था, अभी लेटेस्ट वर्जन में नहीं है, हाँ वो वही। ओल्ड वर्जन में था, अभी लेटेस्ट वर्जन में वो अपने क्लोज कर दिया है ओके, मतलब मैं वही देख सकती हूँ जो मैंने पुट अप किया बस। आपने जो पीडीएफ के, और आपके प्रीवियस जो आपने जो पुट अप होगा वही आप देख सकते हैं। ओके थैंक यू। हाँ लेकिन इसमें एक और हमने जो ऐड किए हैं, जो आप सेंट फाइल में पहले जैसे कोई फाइल आगे जाता था तो वो आप यहाँ पे मूवमेंट में देख सकते हैं कि ये फाइल कहाँ पे है, ये जैसे आप कहाँ आगे जाएगा ये आपका अपडेट होता जाएगा, यहाँ पे आपको जानने की मतलब ये अभी फाइल कहाँ पर है, ये ऑटोमेटिकली मूवमेंट आपको करेंटली हुई ट्रैक करता जाएगा, आप देख सकते हैं, ये पहले नहीं था, अभी आपने फाइल भेज दिया किसी को आपने सोच रहे हो कि इनके पास फाइल पड़ा है, नहीं ये अब करेंटली हुई भी एक जहां जैसे आगे फाइल मूव होता जाएगा ये अपडेट होता जाएगा, अभी फिलहाल इतने चेंजेस है। अगर आपको इसका मैनुअल देखनी है तो आप यहाँ पे हेल्प में
यूजर मैनुअल अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड करके आप इसका, इसके साथ स्क्रीनशॉट भी अटैच है, आप इसका फीचर्स भी रीड कर सकते हैं जो नए फीचर्स है। एक चीज और है, ये जो पहले लोकल रेफरेंसेस का ऑप्शन रहता था मैम वो टीओसी के अंदर है। अच्छा ओके, मैंने अभी बताया ना जो टीओसी है यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे वो सबसे लास्ट में रेफरेंसेस है। ओके हेलो, यस यस, मैं मॉर्निंग से ट्राई कर रहा हूँ एक फाइल सेंड करने का, बट उसमें एरर दिखा रहा है कुछ, इंटरनल सर्वर एरर। आई थिंक ये इशू सबको आ रहा है, तो हम अभी इसको मैं बात करके करवाता हूं। सर ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? अभी हो जाएगा। सडनली मेरे में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा। मैम ये चूंकि माइग्रेशन हुआ है ना, सो बैकएंड टीम अभी स्टिल वर्किंग एंड दे विल रिजॉल्व सून, वो सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर आ जाएंगे।